मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के मालियाती इदारे बिल्कुल महफूज हैं। कैनेडियन वजीर खजाना का कहना है कि कनाडा में किसी बैंक को दिवालिये का खतरा नहीं है। कैनेडियन वजीर खजाना की बैंक ऑफ कनाडा के सरबरा और कनाडा के बैंक रेगुलेटर से मुलाकात। कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारे की जानिब से CRA पर इस्लामोफोबिया के इल्जामात की तहकीकात। कैनेडियन रेवेन्यू मिनिस्टर का कहना है कि वो तहकीकात का खैर मकदम करती हैं। हुकूमत कनाडा भर में मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ खड़ी है। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में ट्रक हादसे में 2 अफराद की हलाकत और 9 को जख्मी करने का मामला। पुलिस ने मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाकया दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं है। रूस ने अपने लड़ाका तैयारे के अमरीकी ड्रोन से टकराने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि रूसी लड़ाका तैयारा अपनी एयरफील्ड पर बाहिफाजत वापस पहुंच गया है। अमरीकी ड्रोन तैयारा अपनी तेज रफ्तारी के बाद समंदर में गिरकर तबाह हुआ है। चीन, ईरान और रूस खलीज अमान में बहरी मशकें करेंगे। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जौहरी आबदोज के मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। चीन का कहना है कि ये ममालिक गलती और ख़तरे की राह पर चल रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कनाडा के वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड कनाडा के बैंक रेगुलेटर और बैंक ऑफ कनाडा के सरबराह से मुलाकात के बाद कैनेडियनों को यकीन दिला रही हैं कि मुल्क के मालियाती इदारे महफूज हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड कनाडा के बैंक रेगुलेटर और बैंक ऑफ कनाडा के सरबराह से मुलाकात के बाद कैनेडियंस को यकीन दिला रही हैं कि मुल्क के मालियाती इदारे महफूज हैं। ये इजलास अमरीकी रेगुलेटर की तरफ से कैलिफोर्निया में कायम सिलिकॉन वैली बैंक की बंदिश के बाद मुनक़द किया गया, जिसने इतवार को कनाडा के ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इसके कनाडा के असासे जब्त करने पर उकसाया। गुज़िश्ता जुमे को अमरीकी हुकाम की जानिब से सिलिकॉन वैली बैंक पर कब्जा करने के बाद आलमी मईशत पर असरात सामने आ रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक रियासत हाई मुतहदा में 16वां सबसे बड़ा बैंक था, जो कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स और टेक इंडस्ट्री को पूरा करता था।
ये 2008 के बाद सबसे बड़ी अमरीकी बैंक की नाकामी थी। इतवार को रेगुलेटर्स ने न्यूयॉर्क में कायम सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया, लेकिन कनाडा में कोई बैंक तकरीबन 27 सालों में नहीं गिरा है। अगरचे कनाडा में बैंक की नाकामी का खतरा सिफर नहीं है, बहुत से ऐसे हालात जो SVB के खात्मे का बाइस बने कनाडा के बैंकिंग सेक्टर में लागू नहीं होते हैं। एक मीडिया बयान में तर्जुमान ने कहा कि फ्रीलैंड ने पीर को मालियाती इदारों के सुपरिटेंडेंट पीटर रोटलेज से मुलाकात की। बयान के मुताबिक क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कनाडा के कौमी और इलाकाई मालियाती इदारों के सरबराहों के साथ मीटिंग्स भी तलब की हैं, जिनमें रोटलेज और बैंक ऑफ कनाडा के नुमाइंदों ने शिरकत की। तर्जुमान ने कहा कि अहम साख्ती और रेगुलेटरी तहफ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं और कनाडा के मालियाती इदारे मुस्तहकम और लचकदार हैं। रोटलेज ने कनाडा में बहरान की महदूद नौयत पर जोर दिया है और कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक कनाडा में तजारती या इनफरादी डिपॉजिट्स नहीं रखता है। कनाडा के इंटेलिजेंस जायजा लेने वाले इदारों में से एक ने तासुब और इस्लामोफोबिया के इल्जामात के जवाब में खैराती इदारों से मुतालिक कनाडा के रेवेन्यू एजेंसी के काम की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के इंटेलिजेंस जायजा लेने वाले इदारों में से एक ने तासुब और इस्लामोफोबिया के इल्जामात के जवाब में खैराती इदारों से मुतालिक कनाडा के रेवेन्यू एजेंसी के काम की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस CRA डिवीजन को ये यकीनी बनाने का काम सौंपा गया है कि रजिस्टर्ड खैराती इदारों को दहशतगर्दी की माली मावनत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस पर गैर मुनसिफाना तौर पर मुस्लिम खैराती इदारों को काबिल एतराज़ बुनियादों पर ऑडिट के लिए निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। एजेंसी का कहना है कि जायजा CRA प्रोग्राम की कौमी सलामती की सरगर्मियों और रजिस्टर्ड कनाडा के खैराती इदारों से मुतालिक फैसला साजी पर तवज्जो मरकूज करेगा, ताकि उनकी माकूलियत, ज़रूरत और कानून की तामील का अंदाज़ा लगाया जा सके। कौमी महसूलात की वजीर ने कहा कि वो तहकीकात का खैर मकदम करती हैं। उनके दफ्तर की जानिब से जारी मीडिया बयान में कहा गया है कि हुकूमत कनाडा भर में मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ खड़ी है और उनकी हिमायत करती है, और इस्लामोफोबिया, नफरत को हवा देने वाले तशद्दुद और निज़ामी इम्तियाज़ की मज़म्मत और उससे निमटने के लिए अपने अज़्म का आदा करती है, जब भी और जहां भी ऐसा होता है। इंटरनेशनल सिविल लिबर्टीज़ मॉनिटरिंग ग्रुप की 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि CRA के जायजा और तजिया डिवीजन ने कम एहतसाब या आज़ादाना जायजे के साथ ऑडिट किया। NSIRA कनाडा की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सरगर्मियों का जायजा लेने का मैंडेट के साथ एक आज़ाद और बैरूनी जायजा लेने वाला इदारा है। ग्रुप को खुफिया मालूमात और पार्लियामेंट को रिपोर्ट्स तक बिला रोक टोक रसाई हासिल है। क्यूबेक के छोटे कस्बे अमकी में पीर को एक पिकअप ट्रक से दो अफराद को हलाक और नौ को जख्मी करने वाले मुबैना ड्राइवर पर खतरनाक ड्राइविंग के दो इल्जाम आयद किए गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के छोटे कस्बे इमकी में पीर को एक पिकअप ट्रक से दो अफराद को हलाक और नौ को जख्मी करने वाले मुबैना ड्राइवर पर खतरनाक ड्राइविंग के दो इल्जाम आयद किए गए हैं, जिसकी वजह से मौत वाकई हुई है। 38 साल स्टीव गैगनन को मंगल की सुपहर अदालत में पेश किया गया, ताकि इस वाकये के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इल्जाम का सामना करें, जिस पर पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये एक दानिस्ता फेल था। इस मौके पर इमारत के बाहर लोग जमा हुए, इस पर चीख रहे थे और उसे फ्रांसीसी में सड़ा हुआ कहते थे। क्राउन ने मंगल की सुपहर कहा कि मुलजिम को इजाफी इल्जाम का सामना करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूटर साइमन ब्लांचे ने कहा कि पुलिस की तफ्तीश उस वक्त मुकम्मल नहीं है, बहुत सारे गवाह हैं जिनका भी इंटरव्यू होना बाकी है, इसलिए मजीद मालूम जमा करने की ज़रूरत है। इसे हिरासत में ले लिया गया था और वो 5 अप्रैल को अदालत में वापस आने वाला है। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि ड्राइवर सड़क के एक तरफ से 100 मीटर के फासले पर मुड़ गया, ताकि पैदल चलने वालों को बेतरतीबी से टकराया जा सके। क्यूबेक पुलिस ने कहा कि उनका ख्याल है कि ये वाकया दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक अलग थलग वाकया और एक फर्द की कार्रवाई थी। वाज़ेह है कि कनाडा के मशरकी सूबे क्यूबेक के एक छोटे से कस्बे में एक पिकअप ट्रक सड़क के किनारे चलने वाले राहगीरों पर चढ़ दौड़ा, जिसके नतीजे में दो अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। ताहम पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। ऐनी शाहिदीन ने मकामी मीडिया को बताया कि ट्रक ने एक माइक्रो ब्रेवरी के बाहर फर्श पर कई लोगों को टक्कर मारी, फिर सड़क के साथ मजीद 400 से 500 मीटर तक चलता रहा और मजीद लोगों के साथ टकराता रहा। मकामी पुलिस ने कहा कि पिकअप के 38 साल ड्राइवर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे मुबैना तौर पर एक मोहलिक हिट एंड रन करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। रूस ने अपने लड़ाका तैयारे के अमरीकी ड्रोन से टकराने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
रूस ने अपने लड़ाका तैयारे के अमरीकी ड्रोन से टकराने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया है। रूसी हुकाम का अपने बयान में कहना है कि रूसी लड़ाका तैयारे ने कोई हथियार अमरीकी तैयारे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी लड़ाका तैयारा अमरीकी ड्रोन तैयारे से रबते में नहीं आया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी ड्रोन तैयारा अपनी तेज रफ्तारी के बायस समंदर में गिर कर तबाह हुआ है। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि रूसी लड़ाका तैयारा अपनी एयरफील्ड पर बहिफाजत वापस पहुंच गया है। वाज़ह रहे कि अमरीकी फौज ने कहा था कि बहीरे अस्वद पर दौरान परवाज रूसी लड़ाका तैयारे की जानिब से अमरीकी ड्रोन को रोकने की कोशिश के दौरान ड्रोन तैयारे से टकराने के बाद बहीरे अस्वद में गिरकर तबाह हो गया, जबकि वाकये में रूसी तैयारे को भी नुकसान पहुँचा। अमरीकी फौजी हुक्काम ने रूसी तैयारों के इस अमल को गैर महफूज और गैर पेशावराना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि रूसी तैयारे ने मुतअद्दिद बार अमरीकी ड्रोन के करीब से गुजर कर उस पर तेल गिराने की कोशिश भी की थी, जो कि माहौलियाती और पेशावर अखलाकियात के मनाफी अमल था। अमरीकी फौजी हुक्काम का कहना था कि वाकये के बावजूद अमरीका और उसके इत्तेहादी इलाके में अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। चीन, ईरान और रूस खलीज अमान में 15 मार्च से 19 मार्च तक समंदरी मशकें करेंगे, जबकि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जौहरी आबदोज के मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के वजारत दिफा का कहना है कि चीन, ईरान और रूस खलीज अमान में 15 मार्च से 19 मार्च तक समंदरी मशकें करेंगे, जबकि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जौहरी आबदोज के मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए हैं। माहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया को जौहरी तवानाई से चलने वाली कम अज़ कम 3 अमरीकी आबदोजें मिलेंगी। चीन ने माहदे को गलती और खतरात से भरा रास्ता करार दे दिया। चीन का कहना है कि तीनों ममालिक अपने अपने जुग्राफियाई सियासी मफादात की खातिर बैन अलाक्वामी बिरादरी के तहफ़ुज़ात को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं। तीनों ममालिक बरतानिया के तैयार करदा रूल्स राइस रिएक्टर समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक नया बेड़ा बनाने के लिए भी काम करेंगे। माहदे के तहत ऑस्ट्रेलवी बहरिया के सेलर्स बरतानिया में जौहरी तवानाई से लेस आबदोज के इस्तेमाल की तरबियत हासिल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि यह माहदा ऑस्ट्रेलिया के एटमी हथियारों से पाक मुल्क होने के अज़म को खतरे में नहीं डालेगा। दूसरी जानिब चीन की वजारत दिफा का कहना है कि चीन, ईरान और रूस खलीज अमान में 15 मार्च से 19 मार्च तक समंदरी मशकें करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये पेशरफ ऐसे वक्त पर सामने आई है जब अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस दिफाई माहदे के तहत जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोजों के माहदे का ऐलान किया है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमरीका को खबरदार किया था कि ये ममालिक गलती और खतरे की राह पर चल रहे हैं। इससे कबल भी रूस, ईरान और चीन 2022 के आगाज में मुश्तरका फौजी बहरी मशकें कर चुके हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।